हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? कौन कौन बच्चा आ गया है एक बार जरा फटाफट देखते हैं। सेशन को जितना बच्चा नया जुड़ा है जल्दी से लाइक और शेयर कर दो ताकि हम फटाफट सेशन स्टार्ट कर सकें। आरती आ गई है, निकिता, गौरव, काजल गुप्ता, सयान रॉय, वेलकम टू दिस सेशन। साक्षी चौधरी भी आ गई हैं। अच्छा, इस 11 बजे वाली क्लास के बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करना है, ठीक है? जैसे मैंने शाम को 4 बजे वाली क्लास खत्म कर दी, बिल्कुल उसके ख़त्म करने का एक बिल्कुल सिंपल रीज़न था कि उस समय बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था पढ़ने में, ठीक है? अगर 11 वाली क्लास में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि सर ये वाली क्लास कुछ मज़ा नहीं, ग्रामर, तो मुझे बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्लास की जगह कोई दूसरा सेशन ले आऊँगा। थैंक यू सो मच गौरव कुमार एंड वेलकम टू द सेशन। हाँ, एक बार मुझसे बात करो, ठीक है? मैं यार, अगर मैं तुम्हारे टीचर होता और मैं मतलब इनफैक्ट आई मीन टीचर तो हूँ, पर अगर मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मुझसे बात करते, तो मुझे बताते तो एटलीस्ट। तो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ देखो, ये बात तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा तुम्हारा कोर्स है मैंने उस हिसाब से 3 सेशन बना दिए हैं। एक सेशन मैं आपको सुबह 8 बजे पढ़ाता हूँ, जो आज किसी कारणवश 10 बजे हुआ है, रीडिंग का। ये आपके यहाँ आता ही है रीडिंग, आपको पता है ग्रामर भी आती है, तो ग्रामर में 11 बजे करा देता हूँ, 3 बजे मैं वो कैप करा देता हूँ, और इस तरीके से इंग्लिश का एक ही दिन में मैं पूरा सिलेबस टच करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ग्रामर नहीं चाहिए तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, पर हाँ, यू हैव टू टॉक टू मी। ठीक है गौरव, ठीक है अभी। सो गाइज, माय नेम इज दानिश जफर, 10 साल से अलग अलग कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूँ, सर्टिफाइड हूँ एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से आपको पढ़ाने के लिए, और मैंने पीएचडी भी किया है इंग्लिश से। अभी हम आगे बात करते हैं। सर, अरे सर ये इंपॉर्टेंट है, क्लास के कॉन्सेप्ट यहीं से हम लोग सीखेंगे। ठीक है ठीक है, फिर मैं इसे रखता हूँ। तो इसको यार एक मिनट आगे तो बढ़ाया करो, तुम लोग कभी आते हो कभी नहीं आते हो। आज गौरव को और लेट्स नो अमेजिंग फैक्ट्स को मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, ठीक है? कितने बच्चे तो आते ही नहीं है रेगुलर, फिर तुम ये भी चाहते हो कि सेशन रहे, ठीक है? तो दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, अगर तुम सेशन में आ नहीं रहे हो तो फिर तुम ये क्यों चाहते हो कि सेशन रहे? हाँ ठीक है, साक्षी चेंज नहीं करिए, चलिए ठीक है चेंज नहीं करेंगे। मैं बस ये सवाल पूछ रहा था कि जब तुम लोग आते नहीं हो रेगुलर तो तुम ये क्यों चाहते हो कि सेशन खत्म ना हो? देखिए, यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको आजकल बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर के साथ मिल रहा है। ऑफर क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको अनअकैडमी 250 रुपये में सारी सर्विसेज दे रहा है। जितने में आपका इंटरनेट का रिचार्ज होगा उतनी में उतने में ही आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जहाँ आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं डिस्कशन में, अपने डाउट पूछ सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं पोल में। लाइव टेस्ट होते हैं, इसमें क्विज होते हैं जहाँ से आप मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं जो बेहतर तरीके से आपको तैयारी कराते हैं और आपके कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब बेशुमार टीचर और बेशुमार कंटेंट है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी इज सफिशियंट फॉर एनी थिंग यू वॉन्ट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद या तो 12 महीने वाला या फिर 24 महीने वाला ले लेना है। अगर ये आप इसके साथ एक कूपन कोड लगा देंगे दानिश 10, तो ये 12 महीने वाला आपको 7,800 का नहीं पड़ेगा, 7,020 का पड़ेगा, और ये 6,500 का नहीं पड़ेगा, ये 5,850 का पड़ेगा। साथ ही साथ इनके साथ एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आप, अगर आप 1 साल वाला लेते हैं तो आपको 2 महीने फ्री मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। तो जिसको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए हो मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हैं। हाँ मानसी, आप रोज आते हैं, हाँ ये मुझे पता है। विकास कार सेल भी आ गए हैं,
ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मज़ा आएगा, नहीं मालूम एक बार पढ़कर देखो, मेरी प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखना। ठीक है चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो आज भी वॉचिंग क्या है, 13 वॉचिंग, 14 वॉचिंग, इट मीन्स आप सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप रहता है, आपके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप सोशल नेटवर्किंग पर बात करते हैं, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ ये सेशन भी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड टोकन फॉर एनी वन, जिसको क्वेश्चन टैग नहीं आते हैं उसके तो मजे आ जाएंगे ना। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग का मैं आपको बेसिक सारे पढ़ा चुका हूं। जिसको बेसिक पढ़ना है क्वेश्चन टैग का, वो मंडे वाला सेशन देखे। मंडे में स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा दिए हैं इसके, ठीक है। आज ये सेशन एडवांस्ड है, तो दम लगाइए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का। बहुत तेज, दम लगाइए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1। आई एम रीडिंग अ मिस्ट्री नॉवेल, एंट आई आरेंट आई। देखिए एक तो जो मेरी क्लास में ए बी या सी बताता है ना, उसमें मुझे मजा नहीं आता यार। ये ए बी सी क्या होता है, ए बी सी नहीं बताना, ये बताओ ना गलती क्या है, वो लिख के सही करो ना उसे। आरेंट आरेंट आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये बात याद रखिए, जो एंट होता है ना, एंट इसका ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब है कि आप इसका यूज एकेडमिक्स में और एग्जाम्स में नहीं करते हैं, मैगजीन्स में न्यूज़पेपर में ये मिल सकता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। एंट की जगह आप क्या कर देंगे, आरेंट, है ना। हाँ और एमेंट कुछ होता ही नहीं है, ये एमेंट कुछ होता ही नहीं है, तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट सी में। समझ में आया, थम्सअप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। समझ आया क्वेश्चन, आपका थम्सअप मुझे आगे बढ़ा देगा, बस एक थम्सअप दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हैजंट बीन, बच्चे आंसर बता रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में परेशान कर देते हैं। मैक्सिको एंड्रिया मीजा हैज बीन क्राउंड, हैज बीन क्राउंड का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब मिली है, टू हेल्पिंग वर्ब्स, तो यहां पे भी दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, ये बनेगा हैजंट शी बीन, हैजंट शी बीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्सअप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। क्या अनोखा और बढ़िया क्वेश्चन था, हैजंट शी, हैजंट बीन शी नहीं, हैजंट शी बीन, हैव यू नॉट बीन ऐसी तो बोलते हैं, हैव यू बीन क्वेश्चन हमेशा ऐसी बनता है, हैजंट शी बीन। समझ में आया, थम्सअप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी चलेंगे, आंसर बताते रहिए। अब देखिए, सलीम अली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इजंट इट होगा, इजंट इट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डजंट इट नहीं होगा, डज कब होता, जब यहां पे कोई रेगुलर एक्शन वर्ब होती, एक्शन वर्ब, ठीक है भाई। समझ में आया, थम्सअप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, जल्दी जल्दी चलेंगे। पिलपिले बच्चे की क्लास नहीं है ये, पिलपिले बच्चे की क्लास नहीं है, जिसको टाइम चाहिए, टाइम है चीते की, जो तेजी से चले चीते की फुर्ती के साथ। आंसर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए। राहुल लव्स विजिटिंग द माउंटेन्स,
काजल गुप्ता ने दिया सबसे पहले सही जवाब, बिल्कुल सही बात है भाई, डजेंट ही होगा। क्यों डजेंट ही क्यों होगा? डजेंट ही इसलिए होगा क्योंकि लव सिंगुलर है, राहुल सिंगुलर है, तो क्वेश्चन टैग भी कैसा रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है पार्ट सी, समझ में आया थम सब दीजिए, डाउट है तो पूछिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जल्दी जल्दी चलेंगे चीते की फुर्ती के साथ, हर क्वेश्चन अनोखा है, हर क्वेश्चन पे मजा है। आंसर बताइए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5। वी वर श्योर, हम श्योर थे किस चीज के लिए? दैट ही हैड कॉट कोरोना बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स हिज बॉडी, बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स हिज बॉडी शोड। ठीक है, तो कह रहा है कि हम श्योर थे कि उसने कोरोना पकड़ लिया है। ठीक है, तो हैडिंट ही, नो एरर जाएगा इसमें, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं वरिंट दे नहीं होगा, वरिंट दे यार इसके हिसाब से क्यों बनेगा? क्योंकि वी वर श्योर, तो वी वर श्योर जो है ये मेन सेंटेंस नहीं है। कभी अगर दो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो जो मेन सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमेशा लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ हैडिंट ही इज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता रहा, थम्स अप देती जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्कोर देखूंगा मैं आपका। चलो अच्छा एक बार बताओ, मैं देखूं तो सही कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है या बर्बाद चल रहे हो। आउट ऑफ 5 एक बार स्कोर बताइए। आउट ऑफ 5 एक बार पहले स्कोर बता दीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अच्छा 4 और 3 है, इसका मतलब सेशन तो ठीक चल रहा है, 5 on 5 कोई लेके नहीं आ पाया। राजन के 5 on 5 आए हैं, बढ़िया राजन, बाकी सबके 4 है, मतलब दम लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बताइए। सोर इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु, सही बात है क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट है, तो यहां पे भी ये पास्ट होगा और ये हो जाएगा डिडेंट ही। डिडेंट ही इज द करेक्ट आंसर, सी पार्ट में डिडेंट ही आप कर लेंगे, डज नहीं होगा क्योंकि अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट रहेगा। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस एक ही रहता है, मेरा परसों वाला क्लास देखिए गहराई से जानने के लिए। समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहो। अगला क्वेश्चन, अरे स्वेयर नहीं होता, आई स्वेयर ऑन यू, तो स्वेयर होता है, स्वेयर मतलब कसम खाना, इसी की सेकंड फॉर्म सोर होती है, इसी की थर्ड फॉर्म सॉर्न होती है। जरा दम लगाओ, ग्रामर व्यामर थोड़ी ठीक करो, कौन बच्चा था ये जो पूछ के चला गया ऐसी सड़ी हुई बात मेरे से। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, और जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा शैल बी, तो नो एरर, कोई गलती नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, जहां भी मिल जाए लेट्स, इसका मतलब होता है लेट अस, और इन दोनों के साथ हम हमेशा शैल वी एज अ क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, शैल वी ही क्वेश्चन टैग रहता है। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बेयरली सीन हिम बिकॉज ही डजन अटेंड क्लासेस रेगुलरली, डस ही, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राजन ने नो एरर दे दिया। राजन तुम अच्छे खासे क्वेश्चन करते करते तुम्हें क्या हो गया, गलत सलत करने लगे भाई। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये इनडेफिनेट में बना हुआ है, तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये इनडेफिनेट है और ये परफेक्ट है भाई। क्वेश्चन तो परफेक्ट में है ना, ये सेंटेंस तो परफेक्ट में है ना, तो क्या बोलोगे? हैव आई, बस हैव आई ये होगा। ठीक है, तो हैव आई सी पार्ट में एरर है। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। हाँ संगीत रॉय ने सही आंसर दिया है। हाँ, काजल का भी गलत हो गया, हैज नहीं आना था। हाँ
हैजंट ही कहाँ, ही दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें कहीं पूरे सेंटेंस में ही दिख रहा है, कह रहा आई हैव बेनली सीन हिम, है ना, मैंने उसको देखा नहीं है, बिकॉज ही डज नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है। ठीक है, तो देखा है क्या, हैव आई, यही तो क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बेयरली नेगेटिव है इसलिए हैव आई। ओपन द विंडो नियर यू, कैन यू, जल्दी से बताइए। कोई नहीं, सीखा आपने, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 और फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं आपके स्कोर्स देखूंगा। देखिए बहुत आसान है ये, ओपन द विंडो नियर यू। तो मैंने आपको बताया था जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, कौन से वाले इंपेरेटिव, अगर तुम उसमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, या उसमें तुम किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो, या तुम किसी से किसी काम को करने के लिए कह रहे हो, तो भाई उसमें कांट वांट का इस्तेमाल नहीं होता, वुड का इस्तेमाल होता है, वुड यू, है ना। यू आर आस्किंग फॉर अ फेवर, अगर तुम किसी फेवर के लिए कह रहे हो, किसी ऑफर के लिए कह रहे हो, तो वुड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वुड पोलाइट होता है। ये बात बताई थी, वहीं से क्वेश्चन आया, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए जल्दी से। वुडेंट क्यों होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वुड यू होगा, वो नेगेटिव में नहीं बनता है। कह रहे जरा खिड़की खोल दीजिए, अपने पास वाली खोल देंगे क्या, यही तो बोलोगे, खिड़की या बोलोगे खिड़की खोल दीजिए जरा पास वाली, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे थोड़ी बोलोगे, कॉमन सेंस यूज करो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद मैं आपके स्कोर्स भी देखूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होता है, तो प्लूरल क्वेश्चन टैग का मतलब है ये गलत हो गया। आप ये डिडंट तो सही है, क्योंकि ये पास्ट में था, अप्रिशिएटेड है, ये पास्ट है तो ये भी पास रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। और यहां पे आप क्या यूज करेंगे, डिडेंट ही की जगह डिडेंट दे, है ना। पहली वाली क्लास देखिए, अगर आप आज तीसरी क्लास में आए हैं, तो आपके निल बटा सन्नाटा जाएगा ये ऊपर से। ये आपको मंडे वाली क्लास देखना पड़ेगी, मंडे वाली क्लास मेरी क्वेश्चन टैग की, आत्म तृप्त हो जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बार पहले स्कोर्स बता दो अपने, आउट ऑफ 10 एक बार स्कोर्स बता दो अपने। आज तुम लोगों ने मूड ऑफ कर दिया बिल्कुल, ठीक है, साफ लग रहा है कि भाई बच्चे नहीं आ रहे, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग जो नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे। और यही चीज मुझे सेशन चेंज करने पे मजबूर करती है। अच्छा, 8 8 8 8 सही है, 6 विकास खारसियल, काजल 7, संगीत रॉय 8, मल्लिक, अरुण, काजल, संगीत, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, तो नीतू क्वेश्चन पूरे कीजिए, जो आपका छूटे हुए क्वेश्चंस है ना, जिनके भी छूटे हुए क्वेश्चंस हैं वो पूरे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर बताइए। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिम एनी मोर, आर आई, भाई साहब क्या कर रहे हो, सबके सबने गलत कर दिया क्वेश्चन। हाँ, एम आई इज द करेक्ट आंसर, आई एम नॉट, ये था नेगेटिव, तो भाई ये पॉजिटिव रहेगा ना, तो एम आई ही तो होगा, आई के साथ एम ही तो लगता है, आई के साथ आर लगा दोगे तुम, वो तो आरेंट आई एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमारे पास एमेंट नहीं होता, है ना, एम नॉट नहीं होता, एम नॉट का एमेंट नहीं होता,
इसलिए ही तो हम aren't यूज कर लेते हैं। ये इतनी कॉमन सी बात थी, मैंने आपको बताई थी, तब भी यहाँ पे गलत आंसर दे रहे हो। क्या हो गया भाई, आपने मंडे वाली क्लास देखना पड़ेगी, इसके बिना मजा नहीं आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, गलत हो गया सबका तुम्हारा। ठीक है, गलत हो गया भाई यू आर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सेशन में आना जरूरी है। तुम सही कहां कर पा रहे हो, इवन इफ यू नो यू आर नॉट एबल टू डू दिस, द रीजन इज यू हैव नॉट डन द प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। कोई बात नहीं, ये मेरी बातें तुम्हें याद आएंगी जब एग्जाम आएगा, चिंता ना करो। जब 15 दिन रह जाएंगे ना एग्जाम में, और मैंने जो तुमसे कहा हो था कि भाई प्रैक्टिस करता रहे बच्चे, प्रैक्टिस करता रहे, और तुमने जो टाइम निकाला है, ये टाइम तो लौट के नहीं आएगा। मेरी बात तुम्हें जरूर याद आएगी कि यार अगर मैं पढ़ लेता ना, और कोविड के बाद हालत और बहुत बेहतरीन होने वाली है उस बच्चे के लिए जिसने इस कोविड का इस्तेमाल अच्छे से कर लिया है, और जिसने ना इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया इस टाइम का, ये मैं दावा दे रहा हूँ, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इस बात को नोट कर लो। ठीक है, आज डेट भी अपने पास से डाल रहा हूँ। आज डेट क्या है भाई, आज है वेंसडे 19 मई 2021। हाँ, मेरी एक बात याद रखना, जिसने इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं की है, जिसने इस समय को बर्बाद कर दिया है, अच्छे से नहीं पढ़ाई की है, ठीक है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। वो एजुकेशन में तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो इतना पीछे हो चुका होगा ना, जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो इतना पीछे हो चुका होगा कि कभी वो उस बच्चे को पकड़ ही नहीं पाएगा जो सारे लॉकडाउन पढ़ता रहा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, और ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत एकदम से बन जाएगी, और बाकी सारे जो होंगे वो लोअर जॉब्स में जाएंगे और जिंदगी भर वही करेंगे। तो क्योंकि हाँ, टाइम बहुत टफ होने वाला है। मेरा काम है, मैं हूँ तुम्हारा मेंटोर, मेरा काम है तुम्हें गाइड करना और बताना कि बेटा ऐसा मत कर। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना। ठीक है, सो आई विल हैव अचीव्ड माई गोल बाई द एंड ऑफ दिस वीक। सो आई विल हैव अचीव्ड, वोंट आई, तो इसमें तो मुझे कोई गलती नहीं दिख रही, नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है, हाँ, बट इसमें एक चरस है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दो ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वोंट आई हैव, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, जिसने सी लगाया उसका ठीक हो गया। हाँ देखो, संगीत रॉय ने एकदम बिल्कुल सही बात की है, जैसी लॉकडाउन खुलेगा ना, हर 15 दिन में एक एग्जाम होगा, और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कौन सा दूं और कौन सा छोड़ूं, इसलिए। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताइए, 15 के बाद अब आपका स्कोर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए जल्दी से। Neither of the two friends followed the corona guidelines and they kept meeting each other. कह रहा है दोनों में से जो भी दोस्त थे, दोनों में से एक ने भी क्या नहीं करा, कोरोना की गाइडलाइंस नहीं करी, और दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। डिड ही थोड़ी होगा, डिड ही होगा क्या, दोनों नहीं मिले तो क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये नाइदर है तो नेगेटिव है, आंसर होगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले काट दो, है ना, ये गया और ये गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिड दे, सी इज द करेक्ट आंसर। डू दे नहीं, क्योंकि ये पास्ट में था, फॉलोड है, डिड दे इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, देखो मल्लिक सुषमिता का सही हो गया, संगीत रॉय का भी सही हो गया, नीतू भास्कर ने सही जवाब दिया। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14। विकास कारसेल ने भी सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, The man hit the dog with a stick, isn't he? The man hit the dog. तो देखिए hit कौन सी है यहाँ पे form? ये second form of verb है। अगर ये first form होती तो यहाँ पे hits होता, hits। ठीक है, इसलिए answer क्या हो जाएगा? The man hit the dog with a stick, didn't he? A is the correct answer, A. बाकी सारे के सारे गलत हैं, don't ही नहीं हो सकता, doesn't ही नहीं हो सकता। समझ में आता रहे, thumbs up देते रहिए, doubt है तो पूछते रहिए। Here we have the next question. नहीं, हाँ ए आंसर होगा, गलत हो गया तुम्हारा। कौन है बच्चा ये, नीतू भास्कर? बी क्यों कह रहे हो आप बेटा, मेरे बच्चे ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट होता तो इसमें हिट्स होता ना,
हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। शी कैन नेवर वेक अप अर्ली, ठीक है। तो यहां पे अगर कैन आया है ना भाई, तो यहां पे भी तो कैन ही आएगा, बड़ा सिंपल है। शी कैन नेवर वेक अप अर्ली, कैन शी, ए इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म, एकदम पप्पू क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे आउट ऑफ 15 अपना स्कोर बताइए, आउट ऑफ 15 स्कोर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कांट शी इसलिए नहीं आया बच्चा क्योंकि नेवर है, और नेवर क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। 13 आए हैं मेरे पास संगीत रॉय का स्कोर, बहुत अच्छे। विकास खारसील का 10, अरुण कुमार नायक 12, सयान रॉय 12, निकिता 12, काजल 13। तो मुझे 11, 12 और 13 दिख रहे हैं, 15 ऑन 15 किसी के नहीं दिख रहे हैं, 14 भी मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो नीतू भास्कर के 10 है आउट ऑफ 15। तो हमारे पास बचे हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस, और मैंने कट ऑफ आज की रखी है 16 ना, ये तीसरा सेशन है ना मेरा, आज की कट ऑफ है 17। तो अगर आप 17 ला पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन टैग तैयार है, और आप हर तरह का क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। एक बात मेरी और याद रखना, जब क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, और ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट 100% आता है तभी वो आप दो या एक क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो आपने जितनी मेहनत क्वेश्चन टैग पे करी होगी वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी चीज करें खास तौर से इंग्लिश में, या तो सॉलिड कीजिए नहीं तो मत कीजिए, यही अंग्रेजी का उसूल है, या तो सॉलिड करो नहीं तो मत करो। चलो आंसर बताओ जल्दी से। तो इसीलिए मैं पिलपिला बच्चा उसी को कहता हूँ, ये पिलपिला है, ये सॉलिड नहीं है, इसका कम तैयार तो सब कुछ है पर अच्छे से इसे कुछ भी नहीं आता। ये तीसरा सेशन है ना गौरव, आज आपका दूसरा दिन है या पहला दिन है, इसलिए आप कट ऑफ आपके लिए वो है ही नहीं। आप अगर मंडे वाली क्लास देखकर आए हैं, ट्यूसडे वाली देख के आए हैं, तो तुम्हारे लिए कट ऑफ है वो 17, नहीं तो तुम्हें सिर्फ सीखना है, वो बस ये देखो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या है। मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास मेन थी। नेहा छित्री गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन, इतनी लेट क्यों आई हो तुम? Have a ride on my horse. तो भाई देखो तुम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, तो वुड यू, ए बी इज द करेक्ट आंसर, विड यू बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया था हम सब, दीजिए डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 16, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ नहीं तो मुझे पता है तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुश्किल से मेरे साथ 10-15 दिन से जुड़ी हो। सर जॉब है डेली, आओ जाओ, अच्छा समझ गया, कोई नहीं नेहा, आप करिए क्वेश्चन जल्दी से और मुझे आंसर बताइए 17 का। कुछ लोग भी बता रहे हैं 17 में, एक बार देखते हैं। लॉर्ड शिवा गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल लंका टू रावणा, गिफ्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आगे भी सेकेंड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, डिडंट ही, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। तो जिस जिसने बी लगाया उसका हो गया सही, बाकी सबका है गलत। समझ में आया हम सब, दीजिए डाउट है तो पूछिए, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ। समझ आ रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कैन आई? हाँ ये जरा दिमाग लगा के बताओगे, मीनिंग समझ के तब बता पाओगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आई वुड लाइक टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो आई वुड यहाँ पे यूज हुआ है तो नीचे भी वुड ही आएगा, तो एक ही आंसर है भाई बी वाला, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लगा सकते, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, इधर भी वुड तो आगे भी वुड, क्लियर है तो हम सब, दीजिए डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू क्विट डिस्पाइट फेसिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम।
अच्छा सी 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 एक बार देखते हैं भाई कि सी आंसर होगा या नहीं। ज्यादातर बच्चे सी ही बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू क्विट, ये क्विट नहीं करेगा चाहे इसके पास कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए। डोंट आई थिंक, तो डोंट आई थिंक थोड़ी बोलोगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव रहेगा। इज ही, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब है ना। अगर यहाँ पे मेन वर्ब यूज होती तब आप डिड डू डस से बनाते। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के सेशन में मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों ने आज सेशन शेयर नहीं किया कहीं पे भी। और मैं एक बात बताता हूँ, ये वॉचिंग और ये सेशन सिर्फ मेरा नहीं होता, ये आपका भी होता है। अगर आप इसको शेयर नहीं करते हैं तो इसका असर आपके करियर पे भी पड़ता है। और उसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये है कि शायद मैं ऐसा टीचर हूँ जो आपको समझा पाता है और आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जब मैं तुम्हारे बराबर था और जब कभी मुझे समझ में नहीं आता था, तो मेरे पास भी ऐसे ही टीचर थे जो मुझे समझा सकते थे। ठीक है, और हर टीचर महान होता है क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, उसका अपना क्राउड होता है और उसके क्राउड की जिम्मेदारी होती है कि यार इस टीचर को, क्योंकि ये मेरा टीचर है, क्योंकि मैं इससे समझ रहा हूँ, इसलिए फ़ायदा मेरा भी है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना होता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे शेयर करना होता है जैसे ये मेरा सेशन है, इससे मेरा भी फ़ायदा है। अगर ये सेशन कल बंद होगा तो सफ़र आप ही करेंगे, है ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। हाँ ये भी है, आज मैं समझ सकता हूँ, आज YouTube में भी दिक्कत है इसलिए भी व्यूज़ नहीं आ रहे, ये भी एक एक बिग बड़ा इशू है, ये भी हो सकता है। द फेयरली ब्लेस्ड द गर्ल विद लॉन्गिटिविटी सो दैट शी कुड अकम्प्लिश ऑल हर गोल्स। हाँ बताइए जी 20 का आंसर, बिल्कुल सही बताया आपने, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लगाया है तो वो गलत हो जाएगा। अनन्या पांडे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। चलिए एक बार फटाफट मुझे स्कोर बताइए आउट ऑफ 20, जब तक मैं आपको क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए 3 बजे भी हमारा सेशन लगा हुआ है और 3 बजे वाली क्लास में मैं, हाँ आज मोस्ट प्रोबेबली सिनोनिम्स की क्लास है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली सिनोनिम्स की क्लास है, तो तैयार होके आ जाइए 3 बजे। साथ ही साथ मेरी अनअकैडमी पे आज 2 क्लासेस हैं, ठीक है, अनअकैडमी पे आज मेरी अनअकैडमी ऐप पे आज मेरी 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास है 4:05 पे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको कराने जा रहा हूँ मॉक टेस्ट, और जिसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए 25 questions। इसके अलावा मेरी एक दूसरी क्लास है अनअकैडमी ऐप पे जो लगेगी 4:50 पे, ठीक है, हाँ, और ये भी क्लास कहाँ होगी, ये भी अनअकैडमी ऐप पे। ये भाई हाफ एन आवर की क्लास है, इसमें मैं आपको कराऊंगा 50 questions जो बेस्ड होंगे एडजेक्टिव्स पे, ठीक है, 50 questions कराऊंगा, किस पे बेस्ड होंगे, एडजेक्टिव्स पे। तो ये क्लास कितने बजे होगी, 4:50 पे, तो आप ये समझ लो 4 से लेके लगभग 5:30 तक, मतलब 1.5 आवर में आप मेरे साथ करेंगे 50 और 25 कितने, 75 questions, ठीक है, और विद एनालिसिस। और क्या चाहिए तुम्हें जीवन में, तो ये क्लास तुम्हें छोड़नी नहीं है किसी को। हाँ जल्दी से अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, अगर दिक्कत आती है ना वो क्लास देखने में तो ये वाला कूपन कोड लगा देना Danish10, क्लास तुम्हारे लिए एकदम फ्री हो जाएगी, ठीक है। एक बार स्कोर्स देख लें, 18 18 18 17, काजल के 18 है, सयान के 17 है। हाँ तो अभी तो आप एक काम कर लीजिए, एक बार जल्दी से ना इस अपना फोन वोन चार्ज कर लीजिए, खा पी लीजिए और तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं संगीत रॉय, पढ़ के आओ, क्या दिक्कत है, ठीक है, पढ़ के आओ अच्छे से, और टॉप 10 में वहां पे आने का मतलब है तुम्हें सारे ही क्वेश्चन सही करना पड़ेंगे। और देखो ये अब एसएससी में भी यही हो गया, एसएससी की आप कट ऑफ देखेंगे 80-80% जा रही है, मतलब गलती करने की संभावना ही नहीं है। वो बच्चा जो ये कहता है कि सर मैंने 10 क्वेश्चन करे थे, मेरे 7 सही हो गए, तो मैं उससे कहता हूँ बेटा कोई फायदा नहीं है, तू 7 सही कर या 1 सही कर बराबर ही है ना, ना ही 7 पे सिलेक्शन होगा ना ही 1 पे। हाँ तू कहेगा सर मेरे 8 सही हुए, तो याद रखिए कट ऑफ हमेशा 80-90% रहती है,
है ना, अब कंपटीशन बढ़ गया है, 80 to 90% ही कट ऑफ रहती है। अभी आपने सीएचएसएल की कट ऑफ देखी, 160 आई थी 200 में से, कितने परसेंट हो गई? जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, 80% कट ऑफ रहती है। तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टेस्ट में कहीं भी 80% से कम लेके आते हैं तो अपने आप को फेल मान लिया कीजिए अपने आप, ठीक है। हाँ, तो वक्त के साथ हल्के हल्के होगा। कहते हैं ना, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, और रेगुलर सेशंस लेते रहिए। जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका देखिए। हाँ, आप ये देखिए क्या आपका ग्राफ पहले से ऊपर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो ये हल्के हल्के बढ़ेगा यार, एक दिन में तो इथेरियम भी डॉलर मतलब $1,000 नहीं बढ़ पाता। चलो ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।